आदित्य सुरजेवाला जी अभी 2 दिन पहले तो विदेश से इंडिया आए हैं, उन्हें विकास का तो क्या पता। खुद जो बंदा चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, वो दूसरों को विकास का क्या कर सकता है। माहौल तो सर अब एक तरफ है, आप भी देख सकते हो इतने युवा एक साथ जुटे हैं हमारे साथ और माहौल बहुत अच्छा है, और इसका बाकी माहौल आपको 8 तारीख को पता लग ही जाएगा। कि आज उनकी रैली भी थी युवाओं की, जब 4 लड़के ने उन पर इकट्ठे हुए तो कैंसिल कर दी युवाओं की रैली, और यहाँ पे 1-2 बस गांव में हमारा डोर टू डोर ही था, उसमें आप देख सकते हो कितना जनसलाब युवाओं का हमारे साथ जुड़ा है। युवाओं का एकजुट होके विधायक जी के लड़के के साथ डोर टू डोर का प्रोग्राम था, और हमें सबने यहाँ पर अच्छा भाग किया, डोर टू डोर किया, जैसे केवड़क में, देवरा में, जसवंती में, और साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला है हमें। द्योरा, जसवंती और केवड़ा गांव में हमने करा था, और इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, बुजुर्गों का साथ मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, और सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर पूरे जोश के साथ सबने डोर टू डोर की अपील करी और हमने वोटों की अपील करी है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक अलग लहर दिख रही है, जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, लड़कों में, दोस्तों में, सब में जोश है। कि आप जाके देखिए, उनके उन पे 15 करोड़ की संपत्ति है, 15 करोड़ रुपए जिन्होंने आज तक डक्का नहीं तोड़ा, उस पर 15 करोड़ की संपत्ति कैसे आ गई। जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, जो बंदा आपके बीच में रहे, 5 साल दुख सुख में रहे, जो MLA से पहले भी 15 साल आपके बीच में थे, दुख सुख में आपके साथ खड़े थे, हर एक जगह आपके साथ खड़े हैं, उनको चुने। ये ना हो कि आप बाहर से कोई बंदा आए 6 महीने में जो एक्टिव हुआ हो, उसको आप आकर चुने। ये देखें कि जो आपके बीच में रहा है, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है, उसको चुनिए। सर, मेरा नाम मोहित है, मैं लीला राम जी का लड़का हूँ। आज क्या प्रोग्राम है सर? आज हमारा एक डोर टू डोर लगा लो और एक प्रोग्राम लगा लो, जो कि द्योरा, जसवंती और केवड़ा गांव में हमने करा था, और इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, बुजुर्गों का साथ मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, और सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर पूरे जोश के साथ सबने डोर टू डोर की अपील करी और हमने वोटों की अपील करी है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक अलग लहर दिख रही है, जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, लड़कों में, दोस्तों में, सब में जोश है कि इस बार पार का नारा है। आदित्य सुरजेवाला कह रहे हैं कि कैथल में कोई विकास नहीं हुआ। जी, आदित्य सुरजेवाला जी अभी 2 दिन पहले तो विदेश से इंडिया आए हैं, उन्हें विकास का तो क्या पता। खुद जो बंदा चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, वो दूसरों को विकास का क्या कर सकता है। आप जाके देखिए, उन पे 15 करोड़ की संपत्ति है, 15 करोड़ रुपये जिन्होंने आज तक डक्का नहीं तोड़ा, उस 15 करोड़ की संपत्ति कैसे आ गई। क्या कहना चाहोगे? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि अपना देखो, 4थी 5वीं लिस्ट में नाम तो आ गया, 12 बजे की लिस्ट में नाम आ गया, चलो इलेक्शन तो लड़ना ही है। कि आज उनकी रैली भी थी युवाओं की, जब 4 लड़के ने उन पर इकट्ठे हुए तो कैंसिल कर दी युवाओं की रैली, और यहाँ पे 1-2 बस गांव में हमारा डोर टू डोर ही था, उसमें आप देख सकते हो कितना जनसलाब युवाओं का हमारे साथ जुड़ा है। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, जो बंदा आपके बीच में रहे, 5 साल दुख सुख में रहे, जो MLA से पहले भी 15 साल आपके बीच में थे, दुख सुख में आपके साथ खड़े थे, हर एक जगह आपके साथ खड़े हैं, उनको चुने। ये ना हो कि आप बाहर से कोई बंदा आए 6 महीने में जो एक्टिव हुआ हो, उसको आप आकर चुने, चाहे वो बीच में आपको पैसे फेंक दे या कुछ कर दें, उनको आप नज़रअंदाज करें। ये देखें कि जो आपके बीच में रहा है, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है, उसको चुनिए। सर, क्या नाम है? अंकित नाम है जी। कहाँ से हो? केवड़क से। क्या प्रोग्राम था सर? सर, आज हमारा युवाओं का एकजुट होके विधायक जी के लड़के के साथ डोर टू डोर का प्रोग्राम था, और हमें सबने यहाँ पर अच्छा भाग किया है, डोर टू डोर किया है, जैसे केवड़क में, देवरा में, जसवंती में, और साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला है हमें। किस प्रकार का माहौल देख रहे हो आप? माहौल तो सर अब एक तरफ है, आप भी देख सकते हो इतने युवा एक साथ जुटे हैं हमारे साथ, और माहौल बहुत अच्छा है, और इसका बाकी माहौल आपको 8 तारीख को पता लग ही जाएगा।
लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप सब चटपट के हमारे साथ वो भाग लें और 5 तारीख को कमल के बटन को दबाएं और लीलाराम जी को विजय बनाएं।